यहाँ पे अगर आवाज हो जाती है तो आपको कुछ हड्डी महसूस होती है, वो यही है जिस जो आप ये पालपेट कर रहे हैं, बाएं से आप और मतलब ये पालपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज एल्बो जॉइंट किस टाइप का जॉइंट होता है? साइनोविक जॉइंट में आगे कौन सी टाइप है? हिंज जॉइंट, यही बात है। तो हिंज जॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, क्यों? क्योंकि ये फिक्स हो जाता है, ये इधर उधर मूव नहीं कर सके, ये फिर इधर इधर ही मूव करेंगे, जिस तरह आपका दरवाजा हिंज जॉइंट कब्जे वाला दरवाजा होता है, इस वजह से ये फिक्स हो जाता है। सो दैट इज आपके पास मीडियल एपिकोंडाइल, दैट इज लेटरल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल के बैक साइड से एक और नर्व गुजरती है इंपॉर्टेंट, जिसको अल्नर नर्व है, जिसको क्या कहते हैं, अल्नर नर्व। सो अब आपके पास मीडियल एपिकोंडाइल और ये अब आपके पास जॉइंट बन गया, कौन सा जी? एल्बो जॉइंट विद द फॉर्मेशन। एल्बो जॉइंट में कौन से पार्ट्स लगे थे? अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस। ये जो पार्ट है दैट इज कैपिटल ऑफ द ह्यूमरस, जो कि हेड ऑफ द जो होती है रेडियस, उसके साथ क्या बनाता है? जॉइंट बनाता है, क्या बनाता है? जॉइंट बनाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ह्यूमरस। तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें, सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर को क्या डैमेज होगी, शाफ्ट का होगा रेडियल आर्टरी डैमेज होगी, मीडियल एपिकोंडाइल का होगा तो आपके पास कौन सी नर्व डैमेज होगी? अल्ना। जब भी आपको मीडियल साइड से कोई चीज आपको और टकर जाए जाने तो एक क्रोनिक सी सेंसेशन पैदा होती है, तो क्या होती है कि वाल्नर नर्व के ऊपर आपके साथ कोई चीज आके लगती है तो आपको एक फनी सी सेंसेशन मिलती है। नाउ मूविंग टू द रेडियस एंड अल्ना, तो ये आप सिंपल देखेंगे, ये रेडियस है, इसका एक नेक है और एक हेड है, ये रेडियम वेलोसिटी है, ये नजर आ रही है आपको रेडियम, ये भी क्या है, दीज आर द लॉन्ग मॉम, दीज टू आर द लॉन्ग मॉम, दे आर लोकेटेड इन द फोर आर, दे आर लोकेटेड इन द फोर आर। Proximally they articulates with the humerus and form elbow joint, and distally it articulates with the carpal and former wrist. Distally articulate करते हैं इसका carpal के साथ और क्या बनाते हैं? Wrist. So ये अगर आप इसको देखें तो that is head of the radius, जो आपको यहाँ पे नजर आएगा ये head of the radius है, ये radial tuberosity है, और proximally और distally रेडियस और अल्नर के दरमियान भी एक जॉइंट बनता है जिसको प्रॉक्सिम और रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमली अल्नर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट, बट डिस्टली डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिस्ट जॉइंट की फॉर्मेशन में सिर्फ आपका कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, कौन